हेलो दोस्तों, मैं सोनी जोशी देवभूमि उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और फोन करके और यहाँ पे जो है सुबह का प्रोग्राम जो है शुरू हो चुका है। सारे लोग जो है नहा धो के तैयार हो चुके हैं और पूजा होगी। अब जो है पूजा पाठ वगैरह शुरू होगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। काटने के जा रहे हैं, मतलब पेड़ है ना उसकी पूजा। यहाँ पे देखिए कैसे रास्ते हैं, बिल्कुल खतरनाक। यहाँ पे चलना ही बड़ा मुश्किल होता है इन रास्तों में। चलो उधर जाना है, लोग तो चलेगा पर अब आगे जा रहे हैं। पेड़ होता है पहिया नाम का गांव में, उसके कुछ थोड़े से टहनी काट के लाएंगे पूजा करने के लिए। हमारे उत्तराखंड में यहाँ पे देखो पेड़ों को भी पूजा करी जाती है, उसको भी एक देवता के बराबर ही माना जाता है, तो महत्व देते हैं पेड़ पौधों को भी यहाँ पे। और ये निरंकार देवता है, निरंकार देवता है, इनको ले जा रहे हैं भाई। और हाँ, इन्हीं का पूजन हो रहा है। और ये है हमारा भांजा गांव का जो है, पीछे से आ रहे हैं, उसको भी साथ में रखते हैं, साथ में उनकी भी पूजा करते हैं। हवा निकाल दूंगा सर, यहाँ भी ट्रैफिक की समस्या होने लग गई अब, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ तो खुली जगह है, तब भी यहाँ पर जाम की समस्या हो रही है, ट्रैफिक जाम, लोगों ने गाड़ियाँ उल्टी पुल्टी लगा रखी है। चप्पल तो अभी तो ऊपर तो चप्पल नीचे यहाँ तक लगा लूँ, चला लूँ ये।
जी गांव में। हाँ हाँ आना चाहिए मिले बाल में लाल चल चल जाए बैठ के कौन तुम्हें बाल बाल लगी वो मन आयुष मना कर रहा है वो मना कर रहा है मना कर रहा है और क्या अगर तुम्हारा अपना है दाओ फिर बाल क्या हुआ मैं पता नहीं चला प्रक्रिया क्या क्या हुई है ये सब नए नए लोग शामिल होते जा रहे हैं यहाँ पे पूजा के लिए। ये देखिए तो लोग ही नहीं आए ब्लॉग ब्लॉग में डलना मैं भी चलता हूँ पर बन रही है सबकी बना दी हमने। ये देखो ये हमारे पड़ोसी है पड़ोसी अब हम YouTube में दिखाएं तब सबको। ये बहुत अच्छे धन्यवाद इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे पेड़ की पूजा हो रही है यहाँ पे फिर उसके बाद कटेगा पर उससे पहले एक और चीज यहाँ पे देखी जाएगी यहाँ पे अभी यहाँ पे ऊपर दिखाएंगे यहाँ पे देखते रहेंगे लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ना अभी एक वो आएगा गरुड़ गरुड़ वो गरुड़ आएगा उस गरुड़ की जो परछाई पड़ेगी उस पेड़ के ऊपर और परछाई पड़ेगी तो उसके बाद तब फिर ये प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ेगी फिर पेड़ काटा जाएगा उसके बाद और ऐसा होगा होता ही हर बार ऐसे होता है। होता सच में और भी हुआ बहुत देर तक कुछ नहीं दिख रहा था पर अभी यहाँ पे बड़े दिनों सुनने लगा कई लोग इन बातों को मानते नहीं है पर अभी यहाँ पे देख के देखो अभी कोई कुछ नहीं था दूर तो यहाँ पे कोई पक्षी नहीं था और अब देखो यहाँ पे जब से पूजा शुरू हुई और बैंड बजने शुरू हुए यहाँ पे और गरुड़ ऊपर हमारे गरुड़ देवता जो है वो ऊपर आने लग गए। अब ये इनकी देखेंगे कि परछाई पड़ेगी इनकी सूरज से इस पे पेड़ के ऊपर तब उसके बाद ये कार्य पूरा होगा हमारा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको जूम करके दिखा होगा आपको यहाँ पे कैमरे के अंदर की
नमस्कार भाई बंधु, हम यहाँ पे निरंकार की पूजा के लिए आए हैं। ये हमारे पास निशान है जो शांति का प्रतीक होता है, सफेद कलर का, और आपने देखा होगा एक रेड कलर का भी हमारे पास निशान है, वो आगे आगे चलता है। और अब जब हम यहाँ से वापसी जाएंगे पूजा खत्म करके, तो हम आगे होंगे और रेड कलर का पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। शुक्रवार का आह्वान किया गया गुरु देवता का। हेलो, देखिए दोस्तों मारुति क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मारुति, मारुति जी इधर देखो, क्या कर रहे हो आप? पत्थर ढूंढ रहे हो गोल गोल। अच्छा, ये जो नदियों में मिलते हैं ना गोल गोल पत्थर, तो यहाँ भी पड़े रहते हैं जगह जगह, और ये पत्थर ढूंढ रहे मारुति अपने लिए कलेक्ट कर रहा है खेलने के लिए, तो इन्हें अपने घर लेके जाएगा दिल्ली, है ना? या अपने आँखों में मार दे। इंतजार चल रहा है अभी यहाँ पे, थोड़ा पूजा कर रहे हैं अभी यहाँ पे। और थोड़ा उत्तराखंड की यही खासियत है कि यहाँ पे पेड़ों को भी पूरा सम्मान दिया जाता है, पूजा जाता है पूरे देवताओं की तरह। तो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे पेड़ जो टहनी है ना, वो थोड़ा सा काट देंगे थोड़ा सा पूजा करने के लिए। और ये जो प्रतीक के रूप में काटेंगे, थोड़ा सा ऐसे नहीं कि पेड़ काट रहे पूरा, तो प्रतीक के रूप में उसकी पूजा करी जाएगी। फिर टहनी का थोड़ा सा हिस्सा बस काटना है। Thank you.
थोड़ा सा कल आ जाएंगे। अरे आ रही है यहाँ पे हमारी, तो करना क्या है ना इसमें, इसमें क्या करना है? लो बना ली लो, बार भरना बोलते इसको, तो हर परिवार के लोग जो भी है सब ये करते हैं, इसमें चावल देते हैं और चावल इकट्ठे करेंगे वहाँ पे, और बातें तो छुपाएंगे वहाँ पे, होली भी कर रही है। मारती के पापा भी चले गए नारियल छोड़ने के लिए।